शहर में बढ़ रही गंदगी के चलते आज जन क्रांति विकास मोर्चा ने भी देहरादून नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके चलते जन क्रांति विकास मोर्चा के कई सदस्यों द्वारा आज नगर निगम में नारेबाजी के साथ मेयर का घेराव किया गया। उनका कहना है कि नगर निगम सफाई के प्रति लापरवाही बरत रहा है, जिससे शहर में गंदगी का अंबार लगा है। जहां तहां गंदगी के ढेर लगे होने के चलते अब बीमारियों का भय भी उन्हें सताने लगा है। साथ ही लोगों का कहना है कि एक ओर शहर में डेंगू अपने पैर पसार रहा है, जिसके अभी तक 102 मामले सामने आ चुके हैं, और वहीं नगर निगम अभी तक मौन बना हुआ है। यहां पर जो बीमारियां फैल रही हैं, डेंगू यहां पे फैल रहा है। आज हम जन क्रांति मोर्चा के तहत सारे जन क्रांति मोर्चा के जितने भी हम पदाधिकारी हैं और जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग एक ज्ञापन को लेकर के मेयर साहब के सामने प्रस्तुत हुए हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि जरूर समाधान होगा। जो भी सफाई व्यवस्था है, नाले हैं, सड़कें हैं, सड़कें टूट रही हैं, सड़कों पे नालियां बह बह के आ रही हैं, पथरी में एक डेंगू प्रहार वो कहर बन के फैला हुआ है। नगर निगम की लापरवाही है, और उसकी लापरवाही के तहत ये सारे जो भी आज हो रहा है, और जो हम सारे लोग सड़कों पे आ रहे हैं नगर निगम की लापरवाही के कारण आ रहे हैं, और हम लोग मजबूर हैं। वहीं पूरे मामले पर मेयर ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही व्यवस्था को पटरी पर लाया जाएगा। क्योंकि सफाई व्यवस्था चरमराई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और पूरा शहर परेशान है। मैं भी खुद परेशान हूँ, क्योंकि हम सब का काम है, लेकिन धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही है। काफ़ी कुछ हम लोगों ने नियंत्रण में ले लिया है, और मैं समझता हूँ जल्दी सारी व्यवस्था ठीक होने जा रही है। कुछ बरसात के कारण भी दिक्कतें आ रही हैं। मैंने उन्होंने कहा है कि समय बैठ के चर्चा भी करेंगे, और बहुत सारे इशूज ऐसे जो सरकार में लंबित पड़े हुए हैं, कुछ हम लोग प्रोसेस में ले रखा है, तो सभी का समाधान लगभग होना संभव। देवभूमि न्यूज़, देहरादून।